इस टोटके को करने के बाद आपका खोया हुआ प्यार आपके पास वापिस चला आएगा। अगर आप भी अपने बिछड़े हुए प्यार को हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन दो प्यार करने वालों के लिए है जो अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं, या तो उन्होंने अपने प्यार को खो दिया है या उनके बीच में प्यार कम हो गया है। दोस्तों, प्यार चाहे पति पत्नी के बीच में हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, सास ससुर के बीच में हो या किसी दोस्त के बीच में हो, प्यार को सदा के लिए कायम रखना कोई हंसी खेल नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्यार करते थे और आपका प्यार अब आपको छोड़कर चला गया है, दोस्तों कहते हैं अगर प्यार दूर हो जाए तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। किसी शायर ने इस पर क्या खूब लिखा है कि दोस्तों, रूठे हुए रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठे हुए प्यार को, रूठे हुए यार को मनाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, सभी जानते हैं अगर कोई आपसे रूठ जाता है जिसे आप प्यार करते हैं, तो वो आपसे रूठा ही रहता है। आप चाहते हैं उसका वशीकरण करना, वशीकरण की मदद से उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आप ऐसा टोटका जान सकते हैं जिसका प्रयोग करके आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन आपने इस टोटके का प्रयोग करना है। दोस्तों, आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ से प्रार्थना करने के बाद दो पत्ते तोड़ लेने हैं। दोनों पत्तों पर आपने अपने प्यार का नाम लिखना है। एक पत्ते को पीपल के पेड़ के पास रख देना है, उसके ऊपर भारी पत्थर रख देना है, और दूसरे पत्ते को दोस्तों आप अपने घर ले आए, घर की छत के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। 15 दिन के बाद दोस्तों सभी पत्तों को पानी में बहा दीजिए और घर वापस आ जाएं, और पीपल के पेड़ से प्रार्थना करें कि मेरा प्यार वापस आ जाए। तो दोस्तों, ऐसा करने से वो इंसान वापस आ जाएगा। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें, और अगर आप भी अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में अपना नाम और अपने प्यार का नाम टाइप जरूर करें। वीडियो को लाइक करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।